तो जी 13 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो चुका है हमारे जलंधर में, एंड आज मैं जा रहा हूँ रेलवे स्टेशन हमारे ही मांशु पांडे भाई को लेने के लिए, जो कि स्पेशली नैनीताल से आए हैं हमारे से साइबेरियन हस्की का पपी लेने। तो अभी हम फिलहाल उनको लेने के लिए ऑन द वे हैं। सुबह के 7:45 बज चुके हैं एंड भैया हमारे रात के चल रखे हैं इतनी ठंड में स्पेशली अपने लिए साइबेरियन हस्की का पपी लेने के लिए। अब हम ऑलमोस्ट जलंधर सिटी रेलवे स्टेशन तो पहुंच चुके हैं एंड हिमांशु भैया को मैंने कहा था कि जो इंडियन फ्लैग है बड़ा सा उसके नीचे खड़े रहना है आपको। लाइट ग्रीन कलर की जैकेट डाली है तो ही शुड बी समेर हेयर। तो ढूंढते हैं भाई हमारे को, ये खड़े नहीं लग तो नहीं रहे। ये रहे, ये रहे, ये रहे, ये रहे। ये हमारे हिमांशु भाई आ गए। आ जाओ सर, मोस्ट वेलकम। आ जाओ, आ जाओ, बैठो 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 बैठो, आ जाओ आ जाओ। कैसी रही जर्नी? बढ़िया एकदम। हिमांशु पांडे भाई डायरेक्टली फ्रॉम नैनीताल, क्या बात है। मोस्ट वेलकम भैया, मोस्ट वेलकम। चलो परफेक्ट, खाना खाओगे? अभी तो आप लेके चलो, हम लेके चलते हो, आगे देखते हैं। यार हमारी यहाँ की स्पेशल पूरी है, अगर हमारे पास कोई ब्रेकफास्ट टाइम पे आए और पूरियां ना खिलाएं हम तो फिर हमारी बेइज्जती है। खाते हो ना पूरियां? जबरदस्ती तो नहीं खा रहे? कैसी है? ओके, रेकमेंड करोगे? बढ़िया। चलो बढ़िया, आप खाओ आराम से। ये हमारे भैया हैं जो आराम कर रहे हैं, जो हमारे ये वाले भैया हमारे हिमांशु भैया के पास जा रहे हैं नैनीताल। फिलहाल अभी दिल्ली में रहोगे आप? हाँ। और उसके बाद अप्रैल के आसपास इसको उत्तराखंड छोड़ देंगे, नैनीताल की हवा मिलेगी। क्या बात है, ये देखो ऑस्कर है इनका नाम, ऑस्कर नाम रखा है बाय द वे इन्होंने इसका बच्चे का, वेरी क्यूट। देखो आराम से मतलब चिल मार लिया एकदम कि भैया अब हमें बस फैल के सोने दीजिए। संडे तो ये मना रहे हैं, आप तो संडे रात के वो ट्रैवल करके आए हो, मैं संडे सुबह 5:30 को उठा हूँ तो भैया संडे तो ये एंजॉय कर रहे हैं भाई साहब। कनेक्ट मैं अप्रैल से कनेक्ट था, अप्रैल से मैं मतलब अप्रैल से ना ऐसे ना एकदम मैं इंटरनेट पे वीडियोस देख रहा था, मैं भी ब्लॉग बनाता हूँ और फिर इंस्टा पे वीडियोस रील मोटर बाइकिंग करता हूँ। ठीक है जी। और तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने सोचा यार एक ना मेरे को डॉग लेना है, मेरे पे ऑलरेडी मेरे पास डॉग है जर्मन शेपर्ड पर थोड़ा सा ना मैं हस्की देख रहा, तो अप्रैल से देखना चालू किया। वो तो अचानक से मेरे को ना इनका भैया का चैनल देखा है ना, तो इनका वीडियोस देखता हूँ, पुराने वीडियोस देखता हूँ, फिर 2-3 वीडियो मैंने देखी इनके, तो मैंने उसमें हस्कीज देखे, वो मैंने एकदम थोड़ा सा भरे भरे बाल है वो, तो मैं अप्रैल से मैं मतलब उसकी ना वीडियो की प्लानिंग कर रहा था यार हस्की लेना है, हस्की लेना है। तो अब जाके वो मेरा प्लान स्टेब्लिश हो पाया फाइनली, जाके इनसे मैंने कॉल किया और एक ही कॉल पे मैंने अपना फाइनल किया, भैया चाहिए तो चाहिए। एग्जैक्टली देखो, और 2 दिन बाद मैं इनके पास आ गया। आज आज की डेट है, आज है 17 डेट है, आज संडे, मैं अपना संडे जो भी मैं फुल एकदम एंजॉय करता हूँ, तुम आज भैया के साथ एंजॉय करा, तो आई होप कि आप लोगों को भी यार डॉग पसंद आएगा। वो तो मैं इसका भी एक ना इंस्टा पे आईडी बनाऊंगा, इसका आईडी रहेगा हस्की हिमालयन करके, इसका इंस्टा आईडी रहेगा, तो मेरा जो आईडी उसमें टैग करूंगा। और भैया को मैं हमारे वहाँ आने का ऑफर भी किया, ऑफर किया, अब तो ना ऑफर नहीं रहेगा, ये कमांड हो गई है, फैमिली इट्स लाइक फैमिली, नॉट अ बिजनेस पर्पस, नहीं नहीं बिल्कुल है ना, मतलब ठीक है अभी फैमिली है, तो अब भैया हमारे वहाँ आएंगे तो हम इनको हस्की हिमालयन के साथ हिमालय घुमाएंगे, वहाँ पे ब्लॉगिंग करेंगे। हाँ, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को यार ब्लॉग काफी अच्छा लगा, और उम्मीद करते हैं कि भैया ने जो आपको डॉग्स की क्वालिटी दिखाई, डॉग्स के बारे में बताया कि यार इतने रेट कम रेट में मतलब अच्छी क्वालिटी का डॉग आपको सस्ते में, आप मतलब आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना तो आप लोगों को लोग मतलब खाली बना रहे हैं, मतलब आपको क्वालिटी नहीं, आपको क्वालिटी बोल के आपको कुत्ता बेच देंगे और आप भी एकदम आंख बंद कर ट्रस्ट कर लोगे और आप फिर बाद में उसको आपको पछताना पड़ेगा, इसलिए डॉग देख के लें और सही क्वालिटी लें। भैया के पास क्या कि मैंने 100% ट्रस्ट है कि
डॉग को कुछ भी हो जाना मैं 1 बजे फोन कर दूंगा भैया भैया थोड़ी देर पहले बोल रहे थे 1 बजे फोन मैं 2-3 दिन करूंगा 1 बजे देखते हैं भैया उठे रहते हैं सोए रहते हैं नहीं कोई नहीं वो तो उसकी जांच हो ही जाएगी ठीक है बाकी भैया बता दो आप हम कैसे कनेक्ट हुए ये सब एक्चुअली भैया का मेरे को 13th को कॉल आया था 13th of December को एंड इनको एक वूली कोट का डॉग चाहिए था एंड कुदरती मेरे पास ये पपी है जो रेडी हो रहा था उस टाइम पे तो मैंने भैया को इसकी फोटो वीडियो दिखाई इनको तुरंत पसंद आ गया तो भैया ने आज मेरे को जाके बताया दैट मेरे चैनल को ये गोल्डन कैनल्स को फॉलो कर रहे हैं अप्रैल से एंड कह रहे हैं अप्रैल से मैं आपकी वीडियोस देख रहा हूँ और तब से मैं प्लान कर रहा हूँ एक्चुअली मेरे को ये बात बहुत अच्छी लगी बिकॉज भैया कई देखो आपने प्लान किया आपने दिमाग में पूरा सिनेरियो बिठाया कि मैंने जब डॉग लेकर आना है तो मैं इसको यहाँ रखूंगा ये ऐसे मेरे को तैयारी करनी है अब आप ऑर्डर करके आए हो अमेजोन पे मेरे को बता रहे हैं बेड वगैरह ऑर्डर करके आए हो मेरे आने तक बाउल्स वगैरह बेड्स वगैरह सब कुछ आ जाएगा तो भैया जो डॉग्स हैं मैं हमेशा सबको कहता हूँ दैट दे आर नॉट जस्ट गिफ्ट्स और प्रेजेंट्स ये एक कमिटमेंट है और इस कमिटमेंट को आप लोगों को बहुत तसल्ली बख्श पूरा करना पड़ेगा अब देखो ये पूरा अप्रैल से प्लान कर रहे हैं और आज फाइनली यहाँ पे बैठे हुए हैं और इस चीज का रिवॉर्ड भी भगवान ने इनको पूरा पूरा दिया ये देखो पास से देखो बच्चे ये देखो रिवॉर्ड अभी भाई साहब इनके घर जा रहे हैं हाँ कई लोगों के दिमाग में ये बात आ रही है कि भैया इसका कान ऐसा डाउन डाउन है तो मैंने कानों के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जहां पे मैंने बताया था दैट जो कान होते हैं वो स्टेजेस में खड़े होते हैं भैया का भी यही डाउट था कि इसके कान खड़े कब होंगे तो जब बच्चे पैदा होते हैं इनको जो कान होते हैं ना पूरे ऐसे सटे हुए होते हैं यानी कि फेस से इधर आओ बच्चे ऐसे यहीं से दिखा देते हैं मैं अपने क्यों बना रहा हूं ये ऐसे चिपके हुए होते हैं धीरे धीरे अब इसके जो कान है वो ऐसे होंगे भैया आप भी देख लो हाँ और उसके बाद इसके कान ऐसे खड़े हो जाएंगे तो दिस इज अ प्रोसेस एंड ये आप लगा लो 60-70 डेज की जब एज इसकी हो जाएगी यानी कि 20-22 दिन के बाद इसके कान ये फ्लाई तो ऑलरेडी करके देख रहे हो साइड पे ऐसे खड़े हो गए हैं अब ये धीरे धीरे पुड़च करके ऊपर खड़े हो जाएंगे फिर आपका ये वाला बहुत लोगों का डाउट रहता है मैं डाउट क्लियर कर रहा हूँ बट हाँ हमारे हिमांशु भैया पे वापस आते हैं तो ये राइडर हैं एंड एक जुनून और जज्बा जो इनमें था स्टार्टिंग में मेरे को बोले मैं दिल्ली से मैंने आना है भैया यहाँ पे मैं कैसे आऊंगा तो मैंने कहा आप कैसे आओगे कह रहे मैं बाइक पे आ जाऊंगा मैंने कहा भैया आप आ तो जाओगे बट इसको आपको लेके भी जाना है तो ये बाइक पे भी जा रहे इसको ठंड लग जाएगी हाँ है ये साइबेरियन हस्की एक और डाउट आपका क्लियर करता हूँ बहुत लोगों के दिमाग में एक बात आती है कि भैया ये साइबेरियन हस्कीज हैं ये लॉन्ग कोट के जर्मन शेफर्ड्स हैं ये मैलाम्यूट्स हैं ये सेमोइड्स हैं तो इन लोगों को ठंड तो लगती नहीं होगी इनको तो बाहर छोड़ दो ठंड में कुछ नहीं होगा 2-3-4 degrees इनको टेम्परेचर हर्ट नहीं करेगा बट जब बच्चे स्टार्टिंग होती है ना डॉग की किसी की भी तो इनको जो प्राइमरी हीट मिलती है वो अपनी मदर से मिलती है देखो ये एक मिथ नहीं है ये एक फैक्ट है दैट 90 days तक जो मदर जो बच्चे हैं वो अपनी बॉडी में हीट जनरेट नहीं कर सकते हैं अब सपोज आप ठंड में खड़े हो आपकी बॉडी का रिएक्शन क्या होता है हम ठिठुरना शुरू हो जाते हैं कांपना शुरू हो जाते हैं कांपते क्यों है अब अगर 8th-9th की साइंस आई है दैट मोशन से काइनेटिक एनर्जी जनरेट होती है एंड काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूसेस हीट तो हमारी जब बॉडी ठिठुरती है मसल्स ठिठुरते हैं तो काइनेटिक एनर्जी के द्वारा हीट प्रोड्यूस होती है हमें गर्मी महसूस होती है ठीक है अब वो वाली जो प्रोसेस है वो ये नहीं कर सकते हैं 90 डेज तक इसलिए 90 डेज तक अभी मैं चिपक के बैठा देखो मस्ती से सो रहा है क्योंकि मेरी बॉडी हीट इसको मिल रही है और ये निग्गो हो रहा है और ये मजे से सो रहा है भाई से ये देखो दारू पी ली हुई है देसी दारू है ना पीरा मुझे अच्छा एक्चुअली इसको थका दिया गया पूरा क्योंकि इन्होंने इसको भी दिल्ली लेकर जाना है तो अगर ये पूरा एक्टिव होता तो रास्ते में इनको भी बहुत तंग करता और जो बस में आसपास लोग जा रहे होते हैं उनका टेंशन गैदर करता है yes. हर कोई बंदा आएगा अरे भैया हस्की है क्या हाथ लगा ले क्या वो पसंद नहीं है क्योंकि क्या ना कोई कहां से भी हाथ लगा कर आ रहा है तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा सारा क्यूट जा रहा है इसे मिलो ये मेरी भांजी है और ये इसका बहुत प्यारा था हेलो हेलो तारा मिल लो क्यूट से ये इसको क्यूट बुलाती है डॉगी को लेके जा रहा हूं मैं अपना क्यूट आपकी क्यूटी वाई को लेके जा रहा हूं ठीक है अरे इसे बहुत प्यार करती है वीडियो बना दूर से जरा इसे बहुत प्यार करती है बहुत खेलती है इसे बहुत ज्यादा अब खाना कौन खिलाएगा इसको वो तो हम इसको दिखा के खाना खिला देते थे इसको चलो बाय बोल दो बाय बोल दो क्यूट को भी बाय बोल दो बाय क्यूट बाय क्यूट ऑस्कर बोलो इसको ऑस्कर बोलो ऑस्कर बोलो ऑस्कर बोल दो ऑस्कर ऑस्कर बोलो ऑस्कर अभी वो बिस्किट खाने पे फोकस है उसका पूरा चलो इसे भी मिल लो भैया एक बार ये बहुत अच्छा लग रहा है इसको लेके जाते समय बहुत एकदम अलग सी फीलिंग है एकदम मेरे घर में सेकंड डॉग है पहला डॉग जो वो तो भाई एकदम खाना खाते आई होप कि ये खाना खाएगा बस इससे मेरी पूरी उम्मीद है ये खाना खिलाने वाली आदत ना लगे ये तेजस के हाथ से निकला ना बच्चा ये खाएगा सब करेगा चलो गुड भैया एकदम बहुत वो है यार एकदम ठेठ है देखो भैया जा रहे हैं हम लोग बस स्टैंड से बस में क्या है इनको ट्रेन इनका शाम का था एंड अभी हो चुकी है ठंड तो दिन दिन में जो टेम्परेचर है वो सही रहता है एज पर द डॉग टू ट्रैवल तो हमने पपी को पूरा कवर कर दिया है बास्केट से
और साइड पे हमने चेक कर दिए ताकि ये सांस ले सके अच्छे से। ये इनकी गाड़ी वॉल्वो में जाएंगे। तो जहाँ पे हस्की आ गया वहाँ ऑडियंस मिलेगा ही मिलेगा। चलो वैभव भैया फिर मुलाकात होगी। चलो हिमांशी भैया फिर मुलाकात होगी आपसे, मैं एडिट कर दूंगा। चलो ओके टेक केयर। चलो भैया थैंक यू। बॉय बॉय ये सीट पर उतरना जरा। चंगा टेक केयर, आराम से कॉल करते रहना ठीक है। चलो ओके टेक केयर बाय बाय ऑस्कर। हेलो तेजस भैया देखो हमारे डॉगी एकदम अच्छे से हो चुके, पूजा हो चुकी है एकदम, उसको टीका लग चुका है तो यहाँ पे आते हैं, उसका एकदम वेलकम हो चुका है।